शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आराम से। रश्मि, एक मिनट को पकड़ो। आराम से। रश्मि पानी दे। पिया। तुम चिंता मत करो, हमने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। हाँ। घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। हमने कहा था ना कि हम ठीक है, अब हम चलते हैं। डिम्पी, ऐसी हालत में कहाँ जाओगी? थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद चले जाना। नहीं, हम चलते हैं, हमें बहुत लेट हो गया। डिम्पी, तुम यहाँ? नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते सर, आप जानते हैं नहीं, 6 महीने पहले ये हमारे दूसरे स्टोर में काम करती थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये वजह थी जॉब छोड़ने की? हाँ, अब हमें नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हस्बैंड कैसे, क्या करते हैं वो? अरे ये चोटे कैसे लगी? हमें बचाते हुए। आज हम रोड क्रॉस कर रहे थे ना, तो हम गलती से गाड़ी से टकराने वाले थे, तो डिम्पी ने आके हमें बचा लिया। हमारे हिस्से की चोट इसने ले ली। अब तुम एक काम करो, अपने हस्बैंड का नंबर दो हमें, हम उन्हें फोन करके बता देते हैं कि तुम यहाँ हो। हमारी शादी नहीं हुई है, हम जिससे प्यार करते थे उसने हमें धोखा दे दिया, और हमारी प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही हमारे घर वालों को पता चला तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे रहने का इंतजाम किसी वुमेन हॉस्टल में करवा देंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हॉस्टल में रूम मिलना इतना आसान नहीं, थोड़ी सी परेशानी तो होगी। आशी जी सर, तुम कुछ दिनों के लिए डिम्पी को अपने साथ रख लोगी? सर वो आप तो जानते हैं ना, काकी माँ हम कैसे। आशी बेटा, बस कुछ ही दिनों की बात है, हम हॉस्टल में रूम का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, और अगर नहीं भी मिलता है तो हम इसके रहने का कुछ ना कुछ इंतजाम तो करवा ही देंगे। ठीक है, हम ले जाइए। पर हम कैसे? कोई बात नहीं, हम अच्छा सर, हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देके जाते हैं, क्योंकि काकी माँ की भी तबीयत खराब है ना। जाने से पहले वो पिछले स्टॉक की फाइनेंशियल रिपोर्ट दे दो, फिर चले जाओ। ठीक है, हम अभी देते हैं। बैठ, हम आए हम। बाबा। बाबा भूख लगी है, खाना बाहर से ऑर्डर करना है क्या? एक तो माँ की तबीयत ऐसी, और आशी का भी कुछ पता ही नहीं है। ऐसा बोलना क्या? आशी घर पर नहीं है? अरे उसने तो कहा था वो काम पर नहीं जाएगी। भगवान, हम उसके भरोसे रहे, ऐसे सोते रहे, और यहाँ हमारे बच्चे भूखे। नहीं नहीं अमृता, अमृता कोई बात नहीं, तो एक दिन की बात है ना, खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, कोई बात नहीं। हम मर नहीं गए कि हमारे रहते हमारा परिवार बाहर का उल्टा सीधा खाना खाए। अमृता, अमृता हमारी बात तो सुनो, अमृता, अमृता हमारी बात तो सुनो, थोड़ा आराम कर लो ना। कैसे करे आराम, इतना सारा काम पड़ा है। आपकी लाडली कह कर गई थी ना सारा काम करेगी, किया कुछ? बस अकड़ पता नहीं कहाँ चली गई उसकी। हाँ, जिम्मेदारी निभा नहीं सकती तो जिम्मेदारी उठाती क्यों है? एक्चुअली हमने उसे भेजा था, हमने कहा था उससे, कहीं फंस गई होगी, आती होगी ना अभी। आप ना बस उसकी वकालत करते रहिए, बात करना ही बेकार है आपसे तो। कहाँ गई थी तुम? क्या कहकर गई थी कि सारा काम संभाल लोगी ना तुम? बड़े बड़े वादे, बस दोपहर का खाना कौन बनाएगा? काकी सॉरी। रहने दो, रहने दो, संभाल सकते हैं हम अपना घर, तुम अपना काम संभालो। काकी माँ, हम टाइम पे, काकी माँ हम टाइम पे आ जाते, मगर हमारा रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बच गया। एक्सीडेंट? बेटा तुम ठीक तो हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? बाबा हम ठीक है, पर आज अगर हम है तो इसलिए क्योंकि क्योंकि ये है। बाबा ये डिम्पी है,
इन्होंने ही हमें एक्सीडेंट से बचाया। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते आंटी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। तुम इसे यहाँ क्यों ले आई हो? काकी वो इसके साथ एक हादसा हो गया, बेचारी अकेली है। ये हमारे स्टोर पर ही काम करती थी, तो शर्मा जी ने कहा कि जब तक इसके रहने का इंतजाम नहीं हो जाता है तब तक ये हमारे साथ रहे। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम मना नहीं कर सके। प्लीज काकी माँ, क्या ये हमारे साथ? हमारा घर धर्मशाला है, मुंह उठा के जिसे चाहे बस ले आओगी। रिक्वेस्ट कर रहे थे। डिम्पी, रुक जाओ, तुम यहाँ रह सकती हो। अच्छा, बस इन्होंने कह दिया तो कह दिया, हमारी कौन सुनता है। सबको अपनी मर्जी की ही करनी है तो हमसे पूछते क्यों हो? डिम्पी बेटा, अमृता की बात का बुरा मत मानना, और वैसे भी तुमने आशी की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू अंकल। बेटा डिम्पी को गेस्ट रूम दिखाओ। बाबा वो हम क्या सोच रहे थे ना, इसकी ऐसी हालत है, हम इसके साथ रहे, हम इसे अपने कमरे में ले जाते हैं। आओ डिम्पी, ये हमारा कमरा है। आशी, तुम्हारा कमरा तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे दिल जैसा। अब ये तुम्हारा भी कमरा है, आओ आराम से। हाँ डिम्पी, तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो, हम अभी बाहर जाते हैं और तुम्हारे लिए भी कपड़े लेके आते हैं। बाबा। हाँ बेटा। आप सोए नहीं अब तक? वो क्या है कि कुछ अकाउंट चेक करने थे, बात एंडिंग है ना, और फिर ऊपर तुम्हारी बात हो रही थी तो मैंने सोचा उसे क्यों डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए ही आके बैठ गया। कैसी तबीयत है माँ की? बेटा अभी ठीक है। अरे ये क्या है? वो आशी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। गुड गुड गुड, जा ऊपर अपने कमरे में ही है। आशी, ये मेरे प्यार का पहला तोहफा तुम्हारे लिए, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। आशी तुम यहाँ? तो ये सिद्ध सर? आप यहाँ? सिद्ध, तुम यहाँ कब आए? मैं बस अभी अभी। अब सॉरी सिद्ध, हम तुम्हें बताने ही भूल गए, ये डिम्पी है, हम ही से यहाँ पर लेकर आए हैं। इसने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई तो शर्मा जी ने हमें रिक्वेस्ट की कि हम इसे अपने घर पे लेके आ जाए, तो हम मना नहीं कर सके। हमें तो समझ में ही नहीं आता दुनिया में इस तरीके के लोग भी होते। उस लड़के ने बेचारी को बर्बाद करके छोड़ दिया।
ये क्या है? वो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया था, मुझे लगा तुम यहाँ सो रही हो। वो सॉरी, मैं अभी निकाल के देती हूँ। नहीं नहीं डिम्पी, रहने दो, हो सकता है इस पायल पर तुम्हारा ही नाम लिखा हो। तुम मत उतारो, सिद्ध हमारे लिए दूसरी पायल ले आएगा, है ना सिद्ध? आशी, सो जाओ तुम। डिम्पी, हम ये तुम्हारे लिए कपड़े लेके आए थे, तुम चेंज कर लो, हम अभी आते हैं। सिद्ध, तुम ठीक हो? हाँ। टेंशन में लग रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस थक गया, पूरे दिन की भागा दौड़ी, बस सोने जा रहा हूँ। तुम भी सो जाओ।